स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं प्लस वन क्लास का चैप्टर नंबर टू। नेम है उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपना एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने नहीं, साइंटिस्टों ने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कंसेप्ट में हमारे दो रूल लगेंगे, एक लगेगा हमारा एफओबार प्रिंसिपल और एक लगेगा हमारा हंट्स रूल, ठीक है। मेरी बात समझे। अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ये एफओबा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा मतलब कि इंडिकेट कराऊंगा, तो मैं थोड़ा इंडिकेशन दूंगा उस चीज़ को, थोड़ा अपने माइंड में थोड़ा मतलब कि क्रैम्प लगा सकते हो, थोड़ा मतलब कि कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम का मीनिंग ये लगा लो, जब तक इस पूरे के पूरे चैप्टर के कम से कम 5 वीडियो ना हो जाए, तब तक तुम्हें थोड़ा, जब 5 वीडियो ना हो जाए तब तक तुम्हें उसको अपने थोड़ा जहन में, अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। वो रूल सुन लीजिए वो क्या है, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़रा देखिए। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ के आए हो तुम। अब मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूँगा अपवर्ड एरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। भाई दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर वो घूमता है क्लॉकवाइज तो मैं ये एरो यूज़ करूँगा इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तब मैं क्या करूँगा, डाउन एरो। मेरी बात समझे, ठीक है। अब जरा देखिए, अभी इसी के बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन और लीजिए थोड़ी सी। अब देखो, मेरे पास एस सब शैल होता है, एस सब शैल, मेरे पास क्या होता है, एस सब शैल। अब ये क्वेश्चन मत करना कि ये एस क्या होता है, ठीक है। मैंने जस्ट अभी कहा तुमसे कि थोड़े पॉइंट्स तुम्हें जस्ट अपने माइंड में बिठाने हैं। जैसे ही तुम इस ये चैप्टर के एंड में पहुंचोगे, तो तुम्हारे सारे के सारे जो राज छिपे हुए हैं इस चैप्टर में, जो तुम्हारे सस्पेंस है, जो तुम्हें डाउट्स है कि ये एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ देर के लिए बस तुमने जस्ट बस लर्न करना है कि भाई एस भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। चीज़ नहीं बोलेंगे इसको, सबशैल बोलेंगे, ठीक है। अब जो एस सबशैल होता है, इसके अंदर एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स नहीं बोलना, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिमिलरली पी होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पी सबशैल, इसको हम क्या बोलेंगे, पी सबशैल, ठीक है। अब जो हमारे पास पी सबशैल होता है, इसके अंदर कितने होते हैं, 3, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद नाउ एस पी, उसके बाद होगा हमारा डी, डी सबशेल, इसके अंदर कितने होंगे हमारे, 5। नाउ लास्ट है हमारे पास एफ सबशेल, इसके अंदर होंगे हमारे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, क्लियर। एफ की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस वन लेवल पे हम एफ की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली हम एस पी डी को लेके चलेंगे। उसके बाद हुआ क्या यहाँ पे, अब जरा देखिए, जो मेरे पास ये जितने भी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कम से कम 0, ठीक है। एक भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। क्यों, अगर तुम ऐसे फिलअप करते हो इलेक्ट्रॉन को तो ये राइट मेथड है, अगर तुम गलती से ऐसे कर देते हो दोनों एक ही डायरेक्शन में गलत, अगर तुम गलती से ऐसे कर देते हो एक ही डायरेक्शन में तब भी गलत, अगर तुम क्या करते हो पहले नीचे ऊपर लास्ट का ऊपर तब भी ये क्या है, राइट। ये दो राइट मेथड है हमारे, क्यों, क्योंकि हमें पता है 9th लेवल से कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। भाई अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में चले गए, तो इन दोनों के बीच में आपस में क्यों जाएगी, रिपल्शन, और जैसे ही रिपल्शन हुई तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही चला जाएगा, ठीक है, जिससे जो एटम फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो राइट मेथड कौन सा है हमारा, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये बात किसने कही, ये सस्पेंस रहेगा इस वीडियो के एंड तक, ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जरा देखिए होगा क्या सीन। अब देखो, अब नेक्स्ट पहले तो तुम्हें लर्न करना है कि हमारे पास एस होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, ये लर्न करना है तुमने। दूसरा हमारे पास पी होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 3। उसके बाद डी होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 5। एफ होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 7। अब जरा देखिए इसके अंदर कितने हैं, 1, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसके अंदर कितने हैं, 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6। इसके अंदर 5 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10। यहाँ पे 7 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 14, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। उसके बाद जरा देखिए भाई, जो मेरे पास ये है और जो मेरे पास पी के 3 ऑर्बिटल हैं, इनके प्रॉपर नाम है, पहले वाले का है पी एक्स, नेक्स्ट वाले का है पी वाई, नेक्स्ट वाले का है पी जेड। उसके बाद जो हमारे पास डी है, डी के कितने होते हैं, 5, इसके भी प्रॉपर नेम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, नाउ डी जेड एक्स, नाउ डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट है हमारा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करो तुम, इसका लो फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर हम अपना कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जरा देखिए। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें दो रूल पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एफओबा प्रिंसिपल, इसका दूसरा नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है एन प्लस एल रूल, इसी का दूसरा नाम क्या है, एन प्लस एल रूल। अब ये एफओबा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन देखना, हम कंस्ट्रक्शन कैसे तैयार करेंगे, इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफओबा प्रिंसिपल हेडिंग लगा लीजिए, इसका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखना क्या कहता है। इट टेल अबाउट, फर्स्ट पॉइंट हम राइट डाउन करेंगे, इट टेल अबाउट, ये किसके बारे में बताएगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन शमशल। भाई देखो, क्लियर करता हूं तुम्हें, ऑर्बिटल इन शमशल, इस चीज को देखना। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था तुम्हें, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, पी के अंदर कितने होते हैं, आंसर आना चाहिए तीन। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये हमें बताएगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। इस चीज़ को पकड़ना ध्यान से, देखो भाई एक ऐसा है, एक मेरे पास P है, तो ये रूल हमें बताएगा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है या इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मेरी बात समझे। और जिसकी एनर्जी कम होगी ना, जिसकी एनर्जी कम होगी उस ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब उसके अंदर चले जाएगा, फिर जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी फिर उसके अंदर जाएगा, जब उसके अंदर चले जाएगा, जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी तब उसके अंदर, मेरी बात समझे। यहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो पहला पॉइंट हम क्या कहते हैं, ये कि इट टेल अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल। ठीक है, कि जो हमारे सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, जैसे एस के अंदर कितने हैं, एक, पी के अंदर कितने हैं, तीन, तो पहला क्या कहता है कि हम, अभी मैं बताऊंगा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है या इसकी एनर्जी, इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास, इसके लिए भी मेथड है हमारे पास, उससे हम चेक कर लेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो समझिए इस चीज़ को, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब वो पूरा कंप्लीट भर जाएगा फिर अगले का नंबर आएगा। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम उसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन, जब वो भर जाएगा फिर उससे ज़्यादा एनर्जी जिसकी भी होगी ना, तब उसके अंदर क्या जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट ये है हमारे पास। उसके बाद नाउ यू विल चेक सेकंड पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई, जो बात मैंने अभी कही, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लो एनर्जी। ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, लो। वो देखेंगे हम, एस की एनर्जी कम है, पी की कम है, या डी की है, या एफ की है, ये अभी बताएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद रूल नंबर थर्ड, ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमें, ये जरा देखना, इलेक्ट्रॉन फीलिंग इंक्रीजिंग और इलेक्ट्रॉन फीलिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल, ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, या सबशेल बोल सकते हो, ये भी हो चुका है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे इन डिब्बों में, इन ऑर्बिटल में, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, तो रूल क्या लगेगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसको पहले नंबर देंगे, उसको पहले भरेंगे, उसके बाद जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी तो उसको बाद में, यही तो कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर फोर, थर्ड, अकॉर्डिंग टू द एफओबा प्रिंसिपल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब होगा क्या यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे एन प्लस एल रूल। मैंने अभी कहा था कि हमें सर कैसे पता, तुम सोचते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी क्या है ज़्यादा, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एन प्लस एल रूल। अब जरा देखिए, देखो पहले तो तुम्हें यहाँ से क्लियर करता हूँ। देखो ये जो एन है, वेयर, ये जो एन है ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये मेरा जो एल होता है ये होता है हमारे पास एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैंने कहा था कि जब ये लेक्चर स्टार्ट होगा तो इसमें कुछ बातें तुम्हें जस्ट क्रैम करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सस्पेंस रहेगा, जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ेगी ऐसे इस
मतलब किसके लेक्चर अटेंड करोगे तुम, तो ये सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। बस थोड़ी सी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, मे बी 1 वीक के लिए, ठीक है। अब जरा देखिए, एन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या है यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। जो एन डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और एल डिनोट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, क्लियर। अब जरा इस चीज को देखिए, देखो अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे होगा क्या सीन, देखो अगर तुम्हारे पास पी है, अगर तुम्हारे पास पी है, अगर हमारे पास पी दिया हुआ है, पी ऑर्बिटल दिया हुआ है या पी सबशेल दिया हुआ है, तब यहाँ पे पी के केस में, ठीक है जरा ध्यान से देखना, पी के केस में जो एल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये तुम्हें लर्न करनी है। ऐसे ही एस के केस में, एस के केस में एल की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही डी के केस में एल की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही एफ के केस में एल की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ देखना। जो हमारा सबसे पहले पी है, या एस लगा लो, सॉरी यहाँ पे पहले एस आएगा फिर क्या आएगा पी, एस के केस में जहाँ भी एस होगा वहाँ पे एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। पी के केस में एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। डी के केस में एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करोगे, 3, ठीक है। मेरी बात समझे, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम अपना रूल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नाउ अब जरा देखना भाई, ये वैल्यू सारी के सारी लर्न होनी चाहिए। जब हमारा एस आएगा तब हम एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। जब हमारा पी आएगा तब एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। जब हमारा डी आएगा तो एल की वैल्यू क्या करेंगे, पुट 2। जब हमारा एफ आएगा तो एल की वैल्यू क्या करेंगे, पुट 3, ठीक है। अब बात आती है कि सर एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू तुम्हें दी होगी, ठीक है, उस चीज़ का भी रूल है। अब जरा देखना, ये हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं, मैं एक बार इसको रिवाइज कराता हूँ। देखो रिवाइज की क्या बात है, इसमें सिंपल सा है, ओवरऑल जो रिजल्ट निकला, ये रूल क्या कहता है कि जिस बंदे की एनर्जी सबसे कम होगी उसको हम क्या करेंगे, पहले फिलअप करेंगे। जब वो फिलअप हो जाएगा उसके बाद जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी तब हम उसको क्या करेंगे, उसको फिलअप करेंगे। अब भाई एनर्जी कम किसकी होगी और ज़्यादा किसकी होगी, ये हमें कौन बताएगा, N+L रूल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, आप देखना नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद जरा चेक कीजिए। देखो अब यहाँ पे देखना, अब देखना ध्यान से, अब भाई अफूबा ने क्या कहा था, अफूबा ने 2 मेथड दिए थे, या तो एन प्लस रूल से निकाल लो किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज़्यादा, दूसरा मेथड है हमारा ट्रिकी मेथड, ठीक है, उसको देखिए। देखो अफूबा ने एक ग्राफ दिया था, उस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना। 1 पहले हम क्या करेंगे, 1 से 6 डिजिट डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने क्या किया, 6 डिजिट डाल दिए, ठीक है। अब मैंने पहले ऑर्बिटल किस कौन सा राइट डाउन कराया था, पहला जो ऑर्बिटल जो मैंने राइट डाउन कराया था वो कौन सा था, S, तो सबके पीछे क्या डाल दो, S, 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 S। अब हम क्या करेंगे, 1 नीचे से छोड़ दो 1 ऊपर से छोड़ दो। अब 2 की सीध में क्या लिखो, 2। 3 की सीध में क्या लिखोगे, 3। 4 की सीध में क्या लिखोगे, 4। 5 के फ्रंट पे क्या लिखोगे, 5। अब S आ चुका है, इसके बाद किसका नंबर है, P का, P डाल दो, ठीक है। अब 1 नीचे से छोड़ दो, नव अगेन 1 ऊपर से छोड़ दो। अब उसके लिए 3 की फ्रंट पे 3, 4 के फ्रंट पे 4। अब किसका नंबर है, D का, तो भाई D डाल दो, ठीक है। अब क्या डाल देंगे हम, D, ठीक है, तो यहाँ तक भी लेके आ सकते हो 5D, ओके। अब नव क्या करो, अब देखो यहाँ पे अब किसका नंबर है, F का, 4F, ठीक है, ये ग्राफ बना लो ऐसे। अब होगा क्या, अब हम देखेंगे कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा। इसके लिए देखो क्या क्या ट्रिक लगाते हैं हम, ऊपर से तीर मारते हैं, भाई मेरे ऊपर से तीर चलाया तो वो इसको क्रॉस कर गया 1s को, तो मेरे पास पहला कौन आया बंदा, 1s, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला बंदा कौन आया, 1s। जब मेरे ऊपर से तीर चलाया तो ये किसको क्रॉस कर गया, 2s को, जरा चेक कीजिए, तो दूसरा नंबर किसका आया, 2s के। जब मेरे ऊपर से तीर चलाया तो किसका नंबर आया, 1s, 2s, 2p, देन 3s, 2p के बाद कौन आया, 3s। उसके बाद जरा चेक करना किसका नंबर आया 3s के बाद, 3p एंड 4s, 4s के बाद जरा चेक करना, 4s के बाद देखो क्या आएगा, 3d, 3d आया, फिर क्या आया मेरा, 4p, देन 4p के बाद क्या है मेरा, 5s, 5s, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चले जाएगा, ठीक है। अब मजे की बात देखिए, देखो जो मैंने ये सीरीज तुम्हें राइट डाउन कराई है, या तो इसको लर्न कर लो, ठीक है, इसके एग्जाम में कभी ये नहीं ड्रा करते हम,
ठीक है, जब तुम हाई लेवल पे जाओगे, प्लस टू लेवल पे जाओगे या प्लस वन के एंड में पहुंचोगे, तब तुम इसको नहीं लर्न करोगे, तुम्हें ये सीरीज लर्न होनी चाहिए। अब ये सीरीज आई कहाँ से, वो इस मेथड से आई है। ठीक है, अब जरा देखिए, देखो जो बंदा पहले है ना, वन एस, इसकी एनर्जी सबसे कम है। मैंने अभी कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके लिए दो मेथड आया, तो अप्लाई करो एन प्लस रूल, जो मैंने अभी बताया नहीं, जस्ट उसकी डेफिनेशन बताई है। या दूसरा मेथड क्या है हमारी, ट्रिकी फॉर्म। ठीक है, अफूबा ने ही कहा था, या इस पैटर्न से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। भाई वन एस की एनर्जी सबसे कम है, तो ये वन एस की एनर्जी क्या है, सबसे कम। टू एस की उससे ज्यादा, देन उससे ज्यादा, देन उससे ज्यादा, तो वन एस पहले भरे जाएगा। जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा, जब इसके अंदर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तब हम इसको पकड़ के चलेंगे टू एस को। जब 2s भरा जाएगा, फिर हम किसको पकड़ के चलेंगे, 2p को। 2p के बाद किसको पकड़ के चलेंगे, 3s को, देन 3p एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखिए, देखो होगा क्या सीन। ये पहला पॉइंट, इसको हमें लर्न करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये मेन फंडामेंटल रूल है, इसको हमें लर्न करना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, नहीं होता 10 बार घर जाके ट्राई करो। अब मैं बता चुका हूँ कि ये आया कहाँ से, मेरी बात क्लियर। अब जरा देखना, अब उसके बाद तुम्हें एन प्लस एल रूल भी कराते हैं, एन प्लस एल रूल। अब इस चीज को देखना, देखो सिंपल अभी बताता हूँ। देखो ये तो भी हमने ट्रिकी फॉर्म मारी, अब एन प्लस रूल के अकॉर्डिंग भी बताता हूँ कि इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है और इनकी एनर्जी इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है और यहाँ वालों की एनर्जी कम क्यों है। इस चीज को देखते हैं, कोई भी दो उठा लो, जो तुम्हारे मन में है उसी को उठा लो। चलो भाई चलते हैं। देखो मैंने क्या किया भाई, मैंने 2s को उठा लिया, देखो 2s, उसके बाद मैंने किसको उठा लिया, 2s के बाद कौन है, 2p को उठा लिया, उसके बाद कौन है, 3s, इसको उठा लिया। भाई इन तीन को मैंने उठा लिया। अब मैं कैसे बताऊंगा कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये कौन सा रूल लगेगा हमारा, एन प्लस एल रूल। अब जरा देखना, देखो 2s के केस में मैं एन प्लस रूल लगाता हूँ, देखो एन प्लस रूल कैसे लगेगा, एन प्लस एल 2s की। देखो एन क्या है, जो फ्रंट पे क्या है, डिजिट, इनके फ्रंट पे जो डिजिट लगा हुआ है, जो कोफिशेंट लगा हुआ है, वो क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने वहां पे दो नंबर कराए थे, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। एजीमुथल की तो वैल्यू मैं बता चुका हूँ पॉइंट नंबर फोर्थ में, अब प्रिंसिपल की तो नहीं बताई थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो फ्रंट पे लगा होता है, जो डिजिट फ्रंट पे लगा होता है, वो क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप जरा चेक कीजिए, मैं वैल्यू निकालता हूँ भाई, एन की वैल्यू 2s के केस में क्या होगी, 2। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए, मैंने वहां पे s की वैल्यू क्या रखवाई थी, 0। भाई s के केस में l की वैल्यू क्या रखवाई थी, 0, तो आंसर कितना आया मेरा, 2। बात समझे, अब इसकी बात करते हैं 2p की। भाई 2p में देखिए, एन प्लस एल रूल लगाओ। अब यहाँ पे 2p में एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2। अब मैंने पी की वैल्यू वहाँ पे क्या लिखवाई थी, 3, तो यहाँ पे कितनी आई, 3। भाई इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 3 आई। ठीक है, जितनी ज़्यादा एन प्लस एल का रिजल्ट होगा, उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। सिंपल, अब मैं अगर बात करता हूँ 3s की, अब 3s का भी देख लीजिए, 3s में क्या आएगा, 3 प्लस 0। अब यहाँ पे कितना आया, 3 प्लस 0 का मीनिंग यहाँ पे कितना आया, 3। यहाँ पे कितना आया, 3। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 0। अब टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 3। अब कुछ बच्चों के मन में सस्पेंस होगा, सर यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, फिर हमें कैसे पता चला कि 3s की वैल्यू ज़्यादा है। सो सिंपल, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, देखो जैसे टाई हो जाता है मैच, ठीक है, टाई हो जाता है मैच, तो सुपर ओवर फेंका जाता है ना, तो सेम पैटर्न यहाँ पे है भाई, जिसके बीच में टाई हो जाएगा मैच, तो हम किसकी वैल्यू देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जिसके फ्रंट का कोफिशेंट ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू, उसकी एनर्जी वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा। सो सिंपल, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो मैंने तुम्हें अभी अफूबा प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, उसका निचोड़ क्या निकलता है, ये सीरीज हमें लर्न होनी चाहिए एज इट इज़, बिल्कुल एकदम फिट। ठीक है, जिस बच्चे को ये सीरीज लर्न है, ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि सीरीज आई कहाँ से, यहाँ से, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि हमने भाई ऐसा क्यों लिखा कि 3s को मैंने यहाँ पे लिखा, 2p को उसके पीछे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ड्यू टू द n प्लस एल रूल। ठीक है, नवे टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, नव टेक ए स्क्रीनशॉट। अब
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले एक रूल हमारा हो चुका है अफूबा प्रिंसिपल और एन प्लस रूल। अब एन प्लस एल रूल के थोड़े रिजल्ट भी देख लीजिए। जितनी ज़्यादा एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी ज़्यादा। अगर मैच हो जाता है टाई अप तो हम किसको देखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हम देखते हैं फ्रंट पे जिसका बड़ा डिजिट उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। सो सिंपल। अब जरा नेक्स्ट रूल देखना जो है, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट लगाया था। अब मेरा जो नेक्स्ट रूल है वो है मेरे पास हंट्स रूल। हंट्स रूल, अब ये हंट्स रूल क्या है अब इस चीज़ के लिए भी देखिए, क्योंकि जब हमें दो रूल डाउट या हमें दो रूल क्लियर होंगे तभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब हंट्स रूल देखिए क्या होता है। अब हंट्स रूल देखना, हंट्स रूल की डेफिनेशन क्या दोगे, इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर, इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल, भाई जो इलेक्ट्रॉन सबशेल में पड़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर पेयर्ड ओनली, आर पेयर्ड ओनली, जब उनकी हम पेयरिंग करेंगे पेयर्ड ओनली। अब उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल, व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स All orbitals of a subshell, of a subshell is half filled with parallel spin, is half filled with parallel spin। ठीक है, ये हमारा हंट्स रूल। देखो वर्डिंग में कुछ नहीं रखा, जो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ देर पहले तुम्हें क्या कहा था भाई, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन। पी में कितने होते हैं, तीन। और डी में कितने होते हैं, टेन। और एस में कितने होते हैं, वन। तो देखो एक बात देखो सीखना है यहाँ पे ध्यान से। देखो भाई मैंने पी को भरना, ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने किसको भरना, पी को भरना। मैं कहता हूँ कि भाई देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग से, ये मेरा पी ऑर्बिटल है और मेरे पास सपोज करो पांच इलेक्ट्रॉन, पांच छोड़ दो, तीन इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं मेरे पास, ये पी के तीन ऑर्बिटल है, मैंने इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन को भरना, फिलअप करना। ठीक है, तो हंट्स रूल क्या कहता है, देखो तुम क्या करोगे, क्या कितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे तुम, ए पहला तुम ऐसे भी भर सकते हो, ठीक है, दूसरा तुम और कैसे भर सकते हो कि इस टाइप से भी भर सकते हो, क्लियर, और कैसे भर सकते हो, किसी भी पैटर्न ऐसे भर सकते हो, कैसे भर सकते हो, लेकिन ये सारे के सारे रूल क्या है, गलत। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से भर देंगे, नो, इसके लिए भी रूल है। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, हंट्स रूल। तुम राइट मेथड क्या है, उस राइट मेथड को देखिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई हमारे पास क्या है, कि हमारे पास क्या है, भैया तीन ऑर्बिटल है, ठीक है, हमारे पास तीन ऑर्बिटल है, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन ऑर्बिटल है और तीन ही क्या इलेक्ट्रॉन, तो हंट्स रूल क्या कहता है, कि रूल क्या लगता है कि हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं कि एक को ऊपर दे दे एक को नीचे, नो, क्योंकि ये तीनों एक, देख भाई इक्वल लेवल पे है ना ये, तो मैं क्या बोलूंगा, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल। अगर इनकी एनर्जी इक्वल है तो मैं करूंगा क्या, हर एक बंदे को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे सीस के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन भरने, तब क्या होगा, देखो मैं क्या करूंगा, पहले हर एक बंदे को एक एक इलेक्ट्रॉन दूंगा आसानी से, फिर तीन भरे गए, अब एक रहता है, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन में शुरू से पेयरिंग करूंगा जहां से मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये मेथड लग कहता है। ठीक है, तो यही जो बातें मैंने तुम्हें बताई, यही हमें किसने बताई, हंट्स रूल ने। ठीक है, मेरी बात समझे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला आया हमारे पास अफूबा, अफूबा ने क्या कहा, जिसके एनर्जी सबसे कम उसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब वो भर जाएगा तब हम अगले को पकड़ेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। अब ये एनर्जी का फंडा कहाँ से पता चलेगा, एन प्लस एल रूल से, वो मैं करा चुका हूँ। दूसरा हंट्स रूल, हंट्स रूल ने क्या बात कही कि भाई हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जैसे पी में तीन है, डी में क्या है, पाँच। ठीक है, हमें सपोज करो चार इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो चार के लिए क्या रूल लगेगा, पहले हर एक बंदे को एक एक इलेक्ट्रॉन दो और एक ही डायरेक्शन में, जब सारों को एक एक दे दिया फिर दोबारा से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये हमें बोलता है हंट्स रूल। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब जरा देखिए, अब हम फाइनल आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा इस चीज को देखिए, अब हम फाइनल टच देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम एंड पे पहुंच चुके हैं, जो आज का मेन कंसेप्ट था, रूल हमने देख लिए। अब जरा देखिए, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अफूबा ने एक सीरीज दी थी, वो मैं लिखता हूँ। पहले कौन आया था? 1s, उसके बाद कौन आया था? 2s, उसके बाद कौन आया था? 3s, उसके बाद कौन आया था? 3p, 1s, 2s, 1s, 2s, 2p, फिर कौन आया था? 3s, फिर कौन आया था? 3p, देन 4s, 3d एंड सो ऑन। यही तो आए थे कुछ देर भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने अफूबा का कराया कि यही तो सीरीज निकली थी। अब जरा देखना, देखो अब पहले हमारे पास आज जो हम कंसेप्ट लेके आए हैं, आज हम क्या करेंगे, जो पीरियोडिक टेबल के पहले 30 एलिमेंट हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के पहले 30 एलिमेंट हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना सीखेंगे, कैसे हम उनको राइट डाउन करते हैं। और पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तुम 10th क्लास में कर चुके हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो जरा देखिए, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में पूछ लिया कि भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या फिर पूछ लिया हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद कौन आता है? लिथियम, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम, देन कौन आएगा? बोरोन, देन कौन आएगा? कार्बन, देन कौन आएगा? नाइट्रोजन, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन आएगी? फ्लोरीन, देन कौन आएगा? नियोन, ठीक है, नियोन, क्लियर। नियोन के बाद क्या? नियोन, दिस इज द एटॉमिक नंबर 10, उसके बाद नियोन के बाद कौन आएगा हमारा? सोडियम, एन ए, ठीक है। अब जरा देखना भाई, पहले 20 एलिमेंट तुम्हें लर्न होने चाहिए, पहले 30 20, तो तुम 10th में लेवल पे कर चुके हो, तुमने स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर। अब जरा देखिए, एग्जाम में पूछ लिया, कोई भी एलिमेंट दे दिया तुम्हें और पूछ लिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे? जरा इस चीज़ को देखना। देखो हाइड्रोजन है, उसने पूछ लिया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो जरा देखिए, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इस 1 का क्या मतलब है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब जरा देखिए, पहला नंबर देखो, क्योंकि अफूबा ने क्या कहा था कि हम पहले उसको उठाएंगे जिसकी एनर्जी कम है, और उसके अकॉर्डिंग एनर्जी किसकी कम है? इसकी, 1s की। तो मैंने क्या किया, 1s को लिख लिया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि 1s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। भाई 1s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। अब इस बंदे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इसी में तो जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा? 1। बस ये आंसर आ गया, 1s1, सो सिंपल। अब उसके बाद हीलियम पे चलता हूँ। अब जरा देखना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दिया कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो पहला नंबर किसका है? दोबारा से उठाएंगे, 1s। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे, वहाँ पे जरा चेक करना नोट्स में, वहाँ पे कितने एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? 2। और हमारे पास है कितने? 2, तो 2 के 2 भेज दो, ये इसका आंसर आ गया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई आंसर? 1s1। हीलियम का कितना आया आंसर? 1s2। अब लिथियम पे चलते हैं, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब जरा देखना, अब इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब यहाँ पे देखो, पहला बंदा कौन है? 1s, और एस में कितने जाते हैं? 2, लेकिन हमारे पास है कितने? 3, तो 2 इसमें भेज दो, भेज दिए 2। अब देखो, अब नेक्स्ट नंबर किसका है, क्योंकि ये तो पूरा भर चुका है, अब अगले को उठाओ, 2s, क्योंकि अफूबा ने यही तो कहा था कि जब ये भरा जाएगा तब अगले का नंबर आएगा, फिर उससे अगले का आएगा, फिर उससे अगले का आएगा, सो सिंपल। अब जरा देख, यहाँ पे 3 थे, 2 जा चुके, अब कितने बचे हैं यहाँ पे? 1, तो ये आ गया 1। अब इसको ऑर्बिटल फॉर्म में बताता हूँ, ये तो सिंपल फॉर्म है, यही हमारी प्लस टू लेवल पे कंपटीशन लेवल पे चलती है। अब बच्चों वाला काम भी बताता हूँ तुम्हें, एक और दिया हुआ है, इसको देखो ऑर्बिटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। भाई एस में एक ऑर्बिटल होता है, इस एस में भी कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। अब इस एस में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 2, तो एक ऊपर की तरफ आएगा और एक किसकी तरफ आएगा? नीचे की तरफ। ये बात किसने कही थी? हंस ने। अब अगले में देखो कितने हैं? 1, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। इसको ऐसे बॉक्स में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, लेकिन तुम फोकस किस पे करोगे? इस पैटर्न पे। उसके बाद लिथियम के बाद नेक्स्ट नंबर किसका है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। बेरिलियम के बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इसका कितना होता है? 6। इसका कितना होता है? 7। अब जरा चेक कीजिए, देखो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला नंबर किसका है? 1s का, तो 1s में कितने जाएंगे? 2। अगला नंबर किसका है? 2s का, 2s में दोबारा से कितने जाएंगे? 2। भाई 4 थे, 4 भरे गए, सो सिंपल, ठीक है। अब इसका मैं अगर बॉक्स बनाऊँ तो बॉक्स कैसे बनेंगे? इसमें भी 2 आ गए और इसमें भी कितने आ गए? 2, सो सिंपल। अब इस पे चलते हैं, बोरोन पे, पहला नंबर किसका है? 1s का, तो यहाँ पे कितना आया? 1s2। दूसरा नंबर किसका है? 2s का, तो यहाँ पे कितना आया? 2s2। तीसरा नंबर कितना है? 2p का। अब देखो
भाई पी का नंबर जब आया तो चार तो भर चुके हैं, अब कितने रह गए, पांच में से चार जा चुका है एक, तो वो किस में जाएगा, इसमें। अगर मैं पी, देखो मैं यहाँ रख करता हूँ इसको, अगर मैं इसकी ऑर्बिटल बनाऊँ तो एस में कितने थे, एक डिब्बा, एक ऑर्बिटल था, इस एस में कितने थे, एक, और इसमें कितने थे, तीन। अब देखो इस एस में कितने गए, दो, तो ऐसे पेयरिंग करूंगा मैं, इसमें कितने गए, दो, ऐसे पेयरिंग करूंगा, इसमें कितने गए, एक, एक रखता है तो यहीं पे तो लगाओगे, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई? अब जरा देखिए, अब जो तुम्हारा घर के लिए होमवर्क है, घर के लिए होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, तुमने होमवर्क क्या है तुम्हारा घर के लिए, होमवर्क, होमवर्क जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है, ठीक है, उन सब की फर्स्ट 20 एलिमेंट राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पहले 20 एलिमेंट है अप टू कहाँ तक, कैल्शियम तक, तो तुमने उसकी सबकी क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन करना है, ठीक है, मेरी बात समझे। और मेरे व्हाट्सएप पे क्या करना है, सेंड 9416478691, ठीक है। पहले 20 एलिमेंट की तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दोनों पैटर्न से, ये वाला पैटर्न भी और ये डिब्बो वाला पैटर्न भी, ऑर्बिटल वाला पैटर्न भी, दोनों से, ठीक है। उसके बाद मैं 21 से 30 तक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें वो कराऊंगा, और साथ ही कुछ और डाउट्स तुम्हारे क्या करूंगा मैं क्लियर, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।